ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। आज भी अखाड़े में ताल ठोकने में हिचक नहीं दिखाते हैं। जैसी आक्रामक छवि अखाड़े में है, ठीक वैसी ही इमेज सियासत में भी है। लेकिन इस बार ब्रजभूषण राज ठाकरे पर जिस तरह से हमलावर हैं, उसने मुंबई से अयोध्या तक के राजनीति के पारे को चढ़ा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि अभी से ब्रजभूषण शरण सिंह योजना बैठक नाम से कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं और दावा है कि राज ठाकरे के विरोध के लिए लाखों लोगों को जुटाने के लिए वो यूपी के साथ ही बिहार और झारखंड में भी जनसंपर्क करने पहुंचेंगे। इसके लिए हेलीकॉप्टर भी तैयार। कतई नहीं घुसने देंगे, घुस नहीं पाएंगे। भी उनको लेकर के आना चाहे तो लाखों लोगों की हत्या करने के बाद सेना उनको हनुमान जी का दर्शन कराता है। अगर वो इसे कर गए तो आज उनको पारा उतर जाएगा कि उत्तर प्रदेश उत्तर देना चाहता। लोग एक एक आदमी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम उतने नहीं देंगे राज ठाकरे को। राज ठाकरे को उत्तर भारत का उत्तर का छमा लाएंगे। राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा पर सियासी संग्राम। भाजपा सांसद का अल्टीमेटम, राज ठाकरे को घुसने नहीं देंगे। राज ठाकरे उत्तर प्रदेश की धरती पर तब तक नहीं घुस पाएगा जब तक वो उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगेगा। राज ठाकरे को दिलाई उत्तर भारतीयों की पिटाई की याद। ब्रजभूषण शरण सिंह का ऐलान, पहले माफी मांगे राज ठाकरे। राम की धरती है, आपने अपमान किया उत्तर भारतीयों का और जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम आपको घुसने नहीं देंगे। अयोध्या की सीमा पर सबसे बड़ा दंगल। हम मराठों की इज्जत करते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन उसने भेद किया है और इसका खामियाजा उसको भोगना पड़ेगा। राज ठाकरे को भाजपा सांसद दिखाएंगे समर्थकों का बाहुबल। 1,00,000 कार्यकर्ता तैयारी बैठक के लिए आएंगे और वो तैयारी बैठक अयोध्या के साधु संतों की अगुवाई में होनी है। अयोध्या के दरवाजे पर विरोध की दीवार। कभी वो दरबे के बाहर निकला नहीं, महाराष्ट्र के बाउंड्री के बाहर निकला नहीं, वो कौन दबंग है? दबंग है तो आवे अयोध्या। माफी नहीं तो अयोध्या में नो एंट्री। राज ठाकरे के खिलाफ हिसाब बराबर की तैयारी। बात तो चुभेगी।